नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे, जिनका खुद नीता अंबानी ने स्वागत किया। एंटीलिया में हुए सम्मान समारोह का नाम यूनाइटेड इन ट्रायंफ कार्यक्रम रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम वो पेरेंट्स ओलंपिक्स में गए, ओलंपियंस और पैरालंपियंस खिलाड़ियों का किस तरीके से जोरदार भव्य तरीके से स्वागत किया गया। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने जोरदार खुद उनको स्वागत किया और उन्होंने दो शब्द भी कहे थे कि आज देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हमारे देश के खिलाड़ियों ने जिस तरह जाकर विदेश में देश का गौरव बढ़ाया है। बड़ी स्पेशल शाम है, आज पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम ऑल इंडियंस, वी आर प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड टुडे वी आर गोइंग टू ऑनर देम एंड शो देम द रिस्पेक्ट एंड द लव दैट वी हैव फॉर देम। On behalf of Reliance Foundation, you would like and you'd wish that United in Triumph can become a movement for unity and inclusiveness in sport and in life. और बस इसीलिए आज celebration है जहाँ we are going to show that all of them are coming together and coming united together and thank you so much, aap sabko dhanyawad aaj aane ke liye, shukriya, dhanyawad। और इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए खास कार्यक्रम गोरपत्र।